सब्सक्राइब करें टेक माइंड बर्ड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब आप फोन पे ऐप से LIC प्रीमियम जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, फोन पे ने भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने साथ जोड़ लिया है। अब आप फोन पे से भी LIC की किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम जमा कर सकते हैं। बस आपके पास पॉलिसी नंबर होना चाहिए, इसके अलावा आपको किसी भी डिटेल की जरूरत नहीं होगी। फोन पे से LIC प्रीमियम कैसे जमा करेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकली LIC प्रीमियम जमा करके दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। अपने फोन पे ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन होने पर इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर LIC रिन्यूअल प्रीमियम का बैनर एड्स भी शो हो रहा है। आप इस बैनर एड्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या फिर पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको रिचार्ज एंड पे बिल्स के ऑप्शन में इंश्योरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इंश्योरेंस प्रोवाइडर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। इस लिस्ट में आपको LIC इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नाम मिल जाएगा, इसे चूज करेंगे या फिर आप यहाँ इंश्योरेंस प्रोवाइडर का नाम डालकर भी सर्च कर सकते हैं। चलिए हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को चूज कर लेते हैं। इसके बाद आपसे पॉलिसी नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ LIC पॉलिसी नंबर डालेंगे। अगर आपको पॉलिसी नंबर नहीं पता है तो आप इसे अपने LIC बॉन्ड पर से देख सकते हैं। LIC बॉन्ड पर आपको पॉलिसी नंबर मिल जाएगा। यहाँ एक ईमेल आईडी डालेंगे। आप यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी डालेंगे, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके इसी ईमेल आईडी पर एक ईमेल आएगा और ईमेल में प्रीमियम रिसीप्ट भी अटैच होगी। पॉलिसी नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद कंफर्म करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करते ही यहाँ पॉलिसी की डिटेल आ जाएगी। कस्टमर का नाम, पॉलिसी नंबर, पॉलिसी ड्यू डेट और ड्यू अमाउंट। इसके नीचे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आप वॉलेट, भीम UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या वॉलेट प्लस UPI या वॉलेट प्लस डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। भीम UPI से पेमेंट करने के लिए आप यहां से बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद पे बिल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे ट्रांजेक्शन UPI पिन एंटर करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ UPI पिन डालकर जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा। लेकिन हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। यहाँ से डेबिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे। यहाँ 16 अंकों का कार्ड नंबर डालेंगे। यहाँ कार्ड एक्सपायरी मंथ और यहाँ एक्सपायरी ईयर डालेंगे। यहाँ CVV नंबर डालेंगे। इसके बाद पे बिल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। ध्यान रहे, एक बार प्रोसेसिंग शुरू होने के बाद रिफ्रेश या बैक बटन नहीं दबाना है। यहाँ कुछ देर के लिए वेट करेंगे। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपके बैंक का पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा और आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ डालेंगे। यदि किसी कारण से OTP नहीं आता है तो यहाँ रिसेंट OTP पर क्लिक करके फिर से OTP मंगा सकते हैं। हमारे मोबाइल पर OTP आ गया है। चलिए हम OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। जब तक ट्रांजेक्शन प्रोसेस कम्प्लीट ना हो जाए तब तक कोई भी बटन नहीं दबाना है। कुछ देर वेट करने के बाद बिल पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ लिखा है बिलर पोर्टल पर स्टेटस रिफ्लेक्ट होने में 3 से 5 दिन का समय लगेगा। नीचे पेमेंट डिटेल आ गई है। आप यहाँ क्लिक करके रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही व्यू रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट ओपन हो जाएगी। नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। यहाँ से आप पेमेंट डिटेल शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, मेल भी आ गया है। यहाँ पेमेंट डिटेल दी गई है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अटैच रिसिप्ट मिल जाएगी। आप यहाँ से भी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप बाद में कभी भी रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऑल ट्रांजेक्शन हो जाएंगी। यहाँ LIC ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ट्रांजेक्शन डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको व्यू रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे मोबाइल पर मैसेज भी आ गया है, प्रीमियम एडजस्ट कर लिया गया है। दोस्तों, अब आप फोन पे से LIC किस्त जमा करना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।